हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती के बारे में। दोस्तों यहां पर रेलवे एएलपी भर्ती का दोस्तों लोको पायलट का रिजल्ट आप सभी को पता है कि आ चुका है। तो दोस्तों लोको पायलट रिजल्ट के बाद जो हमारी CBT-2 PCM कट ऑफ, दोस्तों PCM कैंडिडेट के लिए जो हमारी CBT-2 का कट ऑफ बनता है दोस्तों रेलवे लोको पायलट रिजल्ट के बाद, एएलपी रिजल्ट के बाद, दोस्तों जो हमारा टेक्नीशियन का PCM टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है वो क्या बनती है दोस्तों, यहाँ पर टेक्नीशियन SNT पोस्ट के लिए हम जो यहाँ पर हमारी कट ऑफ है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सभी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। एंड दोस्तों सभी 21 जोन का कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने लगभग दोस्तों 10,000 प्लस जो हमारे कैंडिडेट का सर्वे हुआ था उसके आधार पर ये जो कट ऑफ है ये आपको बताई जा रही है। दोस्तों लगभग 10,000 के आसपास जो मेरे को यहाँ पर कमेंट्स मिले हैं। एंड दोस्तों मैंने एक पोल बनाया था तो वहाँ पर भी लोगों ने है जो पोल में अपना जो है वोट किया था। एंड साथ ही में दोस्तों जो कमेंट आए हैं मेरी सभी वीडियोस पर उन सभी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों यहां पर रेलवे संबंधित या फिर ऑल अदर जो गवर्नमेंट जॉब है उनसे संबंधित दोस्तों पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। यहां पर आपको सबसे पहले उसकी वीडियो यहां पर आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ RRB बेंगलोर बोर्ड की। दोस्तों यहाँ पर जो सर्वे के बाद जो हमारी कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में बात कर ली, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 383 हमारी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। एंड दोस्तों टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे दोस्तों 574 कैंडिडेट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 574 कैंडिडेट क्यों बुलाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा तो आप रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि दोस्तों, या मान लेते हैं कि अगर आपके किसी जोन से 20 वैकेंसी हैं दोस्तों, 20 वैकेंसी अगर आपके किसी जोन से हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन 20 कैंडिडेट को तो बुलाया ही जाएगा। एंड साथ ही में दोस्तों यहां पर 50% मतलब 50% कैंडिडेट को और बुलाया जाएगा, मतलब कि दोस्तों 10 कैंडिडेट और बुलाए जाएंगे। यहां पर 10 कैंडिडेट को बुलाने के बाद दोस्तों यहां पर टोटल 30 कैंडिडेट हैं जिनको यहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इन 10 कैंडिडेट का क्या होगा, क्योंकि 20 पोस्ट हैं और तो 20 पोस्ट पर तो इन 20 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन इन 10 कैंडिडेट का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये 10 कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर हमारे 10 कैंडिडेट बचते हैं, इनको नॉन ज्वाइनिंग रखा जाएगा, मतलब कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन 10 कैंडिडेट को यहाँ पर जब वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा तो इनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब भी यहाँ पर रेलवे की जैसे भी कि कभी 5 वैकेंसी खाली होती है, कभी 1 वैकेंसी खाली होती है, कभी 2 वैकेंसी खाली होती है, तो दोस्तों इन सभी को मिला के जब यहाँ पर मतलब जैसे ही ये वैकेंसियाँ खाली होती है तो दोस्तों इन वैकेंसी पर यहाँ पर इन 10 कैंडिडेट को है जो कि ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में भी रखना आपके लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी यहाँ से बनती है RRB बेंगलोर से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से टोटल वैकेंसी 383 वैकेंसी है। एंड दोस्तों जो टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 574 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 74 से 79 नंबर के बीच में दोस्तों, 74 से 79 नंबर के बीच में अगर आपके जनरल कैंडिडेट से बन रहे हैं तो आप जो कि अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों OBC कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों SC कैंडिडेट में 70 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ST कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हमारा अगला जोन RRB मुंबई से। तो RRB मुंबई की अगर मैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूँ तो 685 वैकेंसी यहाँ से टोटल वैकेंसी है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1027 कैंडिडेट को RRB मुंबई से बुलाया जाएगा। अब दोस्तों जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतने कैंडिडेट क्यों बुलाए जा रहे हैं, इसका मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिस है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि जो है
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 73 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर कर बनाते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 70 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 68 से 72 नंबर के बीच में 68 से 72 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एसटी कैंडिडेट में दोस्तों 65 से 69 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आरआरबी गोरखपुर की। आरआरबी गोरखपुर जोन से अगर मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसी हमारी यहाँ पर है दोस्तों 277 वैकेंसी है। टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 425 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब दोस्तों जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 74 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 71 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 69 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी कैंडिडेट में 75 से 70 नंबर के बीच अगर आप अपना स्कोर कर रहे हैं तो आपको अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर से। आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी हमारी 124 है। एंड दोस्तों टोटल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, 186 कैंडिडेट को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 73 से 77 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 70 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 64 से 69 नंबर के बीच में अगर आप अपने स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी चेन्नई बोर्ड से। आरआरबी चेन्नई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टोटल वैकेंसी हमारी 300 वैकेंसी एंड टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 450 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 75 से 79 नंबर, मतलब कि दोस्तों 75 से 79 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपने स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए दोस्तों 65 से 69 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी सिलीगुड़ी से। आरआरबी सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी यहां से है दोस्तों मात्र 38 वैकेंसी है। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 57 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो दोस्तों 77 से 82 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 75 से 79 नंबर के बीच में अगर आप अपने आप को सेफ स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एससी कैंडिडेट में दोस्तों 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद से। तो आरआरबी सिकंदराबाद से हमारी टोटल वैकेंसी 436 एंड टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे 654 कैंडिडेट। तो 654 कैंडिडेट के आधार पर दोस्तों यहां पर अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 76 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट में 73 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 69 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए 66 से 72 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी जम्मू बोर्ड से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर हमारी टोटल वैकेंसी है 43 वैकेंसी है। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 64 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, मतलब कि दोस्तों 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई किए जा रहे हैं जो कि नॉन ज्वाइनिंग में मतलब है, जो कि वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 77 से 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 73 से 77 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए 70 से 75 नंबर पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी बिलासपुर से। आरआरबी बिलासपुर से टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं तो 255 वैकेंसी हमारी यहां पर टोटल वैकेंसी है एंड टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 382 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा।
तो अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 73 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एससी कैंडिडेट में 68 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए 66 से 71 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद सीट हमारी टोटल वैकेंसी है 160 वैकेंसी एंड टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 240 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 240 कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 76 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 73 से 77 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 69 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपने आप को स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए 67 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों आरआरबी रांची बोर्ड से, आरआरबी रांची बोर्ड से यहां पर हमारी टोटल वैकेंसी है 218 वैकेंसी है, टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 327 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 78 से 84 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 72 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 68 से 74 नंबर पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों फॉर आरआरबी मालदा, आरआरबी मालदा से अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी हमारी 128 वैकेंसी है, टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट 192 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 79 से 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट में अगर आप 77 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपने स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एससी कैंडिडेट के लिए 75 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात कर लेता हूं दोस्तों फॉर आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर से अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी हमारी है दोस्तों 67 वैकेंसी हमारी यहां पर टोटल वैकेंसी है एंड टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 101 कैंडिडेट को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 77 से 82 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एससी कैंडिडेट में 72 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए 68 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों फॉर आरआरबी अजमेर से, आरआरबी अजमेर से मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 363 वैकेंसी हमारी टोटल वैकेंसी है, टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 544 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 78 से 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एंड दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए 77 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आपका जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 74 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों फॉर आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी से टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं तो दोस्तों 156 यहां पर हमारी टोटल वैकेंसी है, टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 235 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा। एंड दोस्तों जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 78 से 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैंडिडेट में 73 से 77 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 70 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात कर लेता हूं दोस्तों फॉर आरआरबी तिरुवनंतपुरम की, दोस्तों आरआरबी तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी 128 वैकेंसी है, टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 192 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 76 से 81 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में
73 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैंडिडेट में 71 से 75 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 68 से 72 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों फॉर आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ से हमारी टोटल वैकेंसी 305 वैकेंसी, टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 457 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एंड दोस्तों जनरल कैंडिडेट की अगर बात करूँ तो 77 से 82 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 74 से 79 नंबर के बीच में अगर आप अपने आप को स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एंड दोस्तों 72 एससी कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एंड दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 69 से 73 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर आरआरबी पटना बोर्ड से। आरआरबी पटना बोर्ड से हमारी टोटल वैकेंसी 84 वैकेंसी, मात्र 84 वैकेंसी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 126 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 80 से 86 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट में 78 से 83 नंबर के लिए 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैंडिडेट में 74 से 79 नंबर, 74 से 79 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी कैंडिडेट में 72 से 76 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों हमारा अगला जोन है आरआरबी भोपाल। तो आरआरबी भोपाल से अगर मैं बात करूं तो हमारी टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहां से 409 वैकेंसी है। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 613 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 78 से 83 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट में 74 से 79 नंबर के बीच में अगर आप अपने स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैंडिडेट में 69 से 74 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एसटी कैंडिडेट में 66 से 71 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है आप सभी कैंडिडेट का। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फॉर आरआरबी इलाहाबाद। आरआरबी इलाहाबाद से अगर मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसी हमारी है 794 वैकेंसी एंड दोस्तों टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1191 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आरआरबी इलाहाबाद से दोस्तों जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 76 से 81 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट में 73 से 78 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों एससी कैंडिडेट में 70 से 74 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बनाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं हमारा अगला जोन है दोस्तों आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता से अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी हमारी है 193 एंड टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 290 कैंडिडेट को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट में 72 से 77 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। एससी कैंडिडेट में 68 से 73 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आपको सेफ मान सकते हैं। एसटी कैंडिडेट में 66 से 71 नंबर के बीच में अगर आप अपना स्कोर बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। अब दोस्तों ये थे हमारे टोटल 21 जोन का कट ऑफ। मैंने आप सभी को 21 जोन का कट ऑफ यहाँ पर मैंने टोटल जो है सभी 21 जोन का कट ऑफ यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड दोस्तों सभी लेटेस्ट मोर अपडेट के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।